तो हेलो दोस्तों, M201 चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने थ्री वे एक्टिव क्रॉसओवर का वीडियो और लो पास फिल्टर का वीडियो बनाया था फ्रेंड। तो उसमें बोर्ड रेडी नहीं होने के कारण हम वीडियो में टेस्टिंग नहीं कर पाए थे। तो इस वीडियो में हम बोर्ड को रेडी करके टेस्टिंग करेंगे, वो भी आयरन मेथड है। तो ये रहा उसका पीसीबी लेआउट लो पास फिल्टर का, जो कि 4 IC से है, N5132 से। और ये मेरे पास अभी एक पीस 4x6 का कॉपर क्लैड बोर्ड है, तो हम इसी बोर्ड पे बनाएंगे आयरन मेथड से। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है फ्रेंड, तो उसके लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। देख सकते हैं फ्रेंड, आयरन मेथड से हमने इसे पीसीबी को प्रिंट कर दिया है। इसे इचिंग करेंगे और ड्रिलिंग करेंगे, उसके बाद फिर कंपोनेंट को फिलिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड, ये किसी और का डिज़ाइन है, इसे हम पर्सनल यूज के लिए इसे बना रहे हैं। आपसे भी अनुरोध करूंगा फ्रेंड कि आप भी इसे पर्सनल यूज के लिए यानी DIY के लिए आप इसे बना सकते हैं, ना कि इसे सेलिंग के लिए, क्योंकि इस डिज़ाइन का क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर पीसीबी की इचिंग और ड्रिलिंग का प्रोसेस पूरा हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम कंपोनेंट सारे माउंट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कुछ जम्पर वायर हैं उसे लगा देते हैं। रजिस्टर से ही सारा जम्पर लगाएंगे। उस रजिस्टर को वायर को कट करके उसे जम्पर लगाएंगे। टोटल जम्पर यहाँ पर क्लियर हो गया। उसके और सारे पार्ट को यहाँ पे माउंट करेंगे, लेकिन अगर सारे पार्ट को एक एक करके माउंट करने लगे फ्रेंड, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो के कुछ पार्ट को स्किप कर देते हैं हम यहाँ पे। ये रहा इसका आईसी। Keep us alive. Now all I can.
ये देखिए, अब इसमें आईसी बेस भी लग चुका है, ये चार आईसी। आईसी बेस लगाने का फायदा यह होता है फ्रेंड कि आप इसमें कोई सा भी आईसी इसमें माउंट करके आसानी से लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं। चलिए इसमें और सारे कंपोनेंट को इसमें फटाफट माउंट कर देते हैं और यहाँ पर वीडियो को थोड़ा फास्ट या स्किप करेंगे फ्रेंड, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और बाद में इसकी टेस्टिंग भी करनी है, इसलिए वीडियो लंबा ना हो, इसलिए यहाँ पर वीडियो को स्किप कर देते हैं कंपोनेंट माउंटिंग का। तो सारे कंपोनेंट माउंट करके हम फिर वीडियो में आते हैं फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइनली हमारा बोर्ड रेडी हो चुका है, सिर्फ इसमें आईसी माउंट करना बाकी है, उसके बाद कनेक्शन करके टेस्टिंग करते हैं। तो चलिए फटाफट ये भी करके टेस्टिंग कर लेते हैं फ्रेंड। बहुत ज़्यादा बेस दे रहा है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन कर रहा, थोड़ा सा यहाँ पर भी छोटा वाला वॉल्यूम दे देते हैं स्पीकर का, फिर उसके बाद इसे देते हैं। और एक बार इसमें देखिए फ्रेंड बेस कितना दे रहा है। चलिए एक बार इससे बड़ा सबवूफर को भी चेक कर लेते हैं उसमें कैसा बेस आता है। तो मेरे पास एक और है 10 इंची का सबवूफर, तो चलिए उस पर भी एक आध सॉन्ग प्ले करके देख लेते हैं उसमें कैसा ऑडियो आता है। आप लोग कमेंट में बताना, वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल पर बने रहिएगा इस तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं तो। रहा फ्रेंड, ले रहा वो 10 इंची का सबवूफर है, तो इसके साथ भी हम प्ले करते हैं कार सॉन्ग को। पहले वायर को जोड़ लेते हैं, ये वाले स्पीकर का वायर हम छुड़ा लेते हैं फ्रेंड। अभी हमने छोटे वाले सैटेलाइट को ही सब वॉल्यूम दिया है, तो अब बड़े वाले सबवूफर को भी वॉल्यूम देंगे फ्रेंड। Thank you.
बिल्कुल डीप बास आ रहा है फ्रेंड। तो सर्किट का बेस रिस्पांस कैसा लगा फ्रेंड, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहीं पर वीडियो को आप समाप्त करना चाहेंगे। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक पर, और डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।